ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर 74वें स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव के रूप में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने मनाया, जिसके प्रदेश सचिव डेविड ढीगिया ने अपने निवास स्थान पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से महापौर संजीव वालिया, स्वास्थ्य अधिकारी त्रिपाठी जी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महापौर व स्वास्थ्य अधिकारी ने ध्वजारोहण किया तथा इस कार्यक्रम में नगरवासियों को एक संदेश भी दिया कि कोरोना के चलते अपनी सुरक्षा स्वयं करें, घर पर रहे समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, उचित दूरी बनाए रखें और स्वस्थ रहें। तथा महापौर संजीव वालिया ने समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों व नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को मानने की अपील की ताकि कोरोना संकट से बचा जा सके और यह जन टूट जाए। देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, उन सबके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी नागरिकों से यह उम्मीद करते हुए कि उन्होंने जो बलिदान दिया आज उसके बल पर हम 74 साल में इस देश को निश्चित रूप से हमने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सभी नागरिकों से मैं यही अनुरोध करते हुए आने वाले समय में एकजुटता दिखाते हुए हम सबको सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ इस देश को आगे लेके चलना है और आज इस झंडारोहण कार्यक्रम में आज डेविड जी के कार्यालय में आना हुआ। वाल्मीकि समाज के हमारे नेता हैं, सभी वाल्मीकि समाज के नेता यहाँ पर उपस्थित है, इन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो मुझे आज यहाँ पर बुलाया इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। आपको सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर हम बात करें मध्यकालीन की या प्राचीन भारत की या वर्तमान भारत की, तो आपने देखा है कैसे कैसे जो है युग पलटा है, कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। लेकिन आज जो नया भारत जो निकल कर आया है हमारे मोदी जी के माध्यम के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आपने देखा है कि उनके उनके कर्म प्रयासों द्वारा आपने देखा है आज जो है भारत जो है विश्व में जो है नंबर 1 पे आता है। तो हमें जो है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, सबको एक साथ मिलकर चलना है। आप सब ये भी जानते हैं हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा उनके कितने प्रयास रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने में, चाहे उसमें हमारे भगत सिंह रहे हो, सुखदेव रहे हो, राजगुरु रहे हो, रामप्रसाद बिस्मिल रहे हो, उनके कर्मठ प्रयासों द्वारा हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें भी जो है प्रयास करना चाहिए अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।